नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया अपडेट है। राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2019 और ये जो वैकेंसी आने वाली है, नए सिरे से इसमें विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे और इस भर्ती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो पहले आप वीडियो को आप वॉच करिए। इस भर्ती को लेकर सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार सिलेक्शन कैसे रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, लिखित परीक्षा होगी या नहीं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, और फिर उसके बाद आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। लेकिन वही बातें जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आप कमेंट करके ना पूछें। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है 2017 की वैकेंसी है, 2018 में इसके लिए विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए थे और इसमें जो सिलेक्शन होना था वो मेरिट बेस पर होना था, 10वीं की मेरिट के बेस पर। इसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं था। अब क्या हुआ है, अब इस भर्ती को हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। अब दोबारा इसमें आवेदन मांगे जाएंगे और 10वीं पास विद्यार्थी सभी इसमें आवेदन अब कर पाएंगे। दोबारा से ही नया प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो एक नहीं, तीन प्रूफ के साथ हम आपको जानकारी देंगे। बस वीडियो को आप देखिए, बातों को समझिए कि किस प्रकार से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। सारी बातें आपको बताएंगे एक एक करके, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं, फिर आगे हम सभी बातों पर हम इसमें विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ आप देखिए, 2018 में 5 लाख आवेदन आए थे, मतलब 2018 में इसमें आवेदन मांगे गए थे। उस समय 5 लाख विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के 2309 पदों की भर्ती रद्द, अब उस भर्ती को रद्द कर दिया है। अब आगे देखिए इसमें क्या जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट प्रशासन के परीक्षा विभाग ने 2309 पदों के लिए जिला न्यायालय चतुर्श्रेणी भर्ती 2017 को शुक्रवार को रद्द कर दिया। और आप में से कई विद्यार्थी इसके रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, काफ़ी समय से मुझे कमेंट भी मिलते थे। तो इसका रिजल्ट जारी नहीं करने का जो कारण है वो यही है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अब दोबारा से शुरू होने वाली है। आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब नए संशोधित नियमों से भर्ती होगी। नए नियम क्या रहेंगे उसके बारे में भी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नई भर्ती में सभी आवेदकों को शामिल करने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। परीक्षा शुल्क भी दोबारा नहीं लेंगे। भर्ती के लिए 8 फरवरी 2018 को आवेदन मांगे गए थे, उस समय 5 लाख 10 हज़ार विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे। उधर भर्ती परिणाम जारी करने को लेकर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। तो ये तो थी न्यूज़ वाली बात। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जो प्रेस नोट जारी किया है वो भी आपके सामने है, ये आप देख लीजिए। और यहाँ डेट आप देख सकते हैं, 22 फरवरी 2019। अब हम प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे। अब इस प्रेस नोट में क्या जानकारी दी गई है, यहाँ आप देखिए, जिला न्यायालयों में चतुर्श्रेणी कर्मचारीगण के चयन की निर्विवाद पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल साक्षात्कार के स्थान पर 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन की प्रक्रिया 2017 में बनाए गए नए नियमों के तहत निर्धारित की गई थी। यानी 2017 की जो ये वैकेंसी थी उस समय केवल 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर भर्ती होनी थी, अब उस को निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब इतना सा है। अब आगे आप देखिए, पदों की जो संख्या है वो रहेगी 2309 पदों पर, कुल 2309 रिक्त पदों के लिए 8 फरवरी 2018 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त हुए आवेदनों में अभ्यर्थियों की 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार करने के लिए समस्त अंक तालिकाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। अब यहाँ मैं आपको इसका सार बता देता हूँ कि इस पूरे PDF में क्या कहा गया है, कि ये 10वीं के आधार पर ये भर्ती होनी थी, प्राप्तांकों के आधार पर। अब जैसे विद्यार्थी अलग अलग स्टेट के हैं, वहाँ 10वीं के जो प्राप्तांकों का जो सिस्टम होता है, कहीं पर ग्रेड का सिस्टम होता है, कभी कोई विषय जोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर इस भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को अब निरस्त कर दिया गया है। इतनी सी बात इस PDF में की गई है, आप पढ़ के देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, परीक्षण में पाया गया कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सहित कई शिक्षा मंडलों में जो प्राप्तांकों का था उसके आधार पर भर्ती नहीं की जा सकती, पारदर्शिता नहीं रहने वाली थी, तो इस वजह से सरकार ने इसको रद्द कर दिया गया। ये देखिए, 90% से अधिक भी अंक प्रदान करते हैं, जबकि कुल बोर्ड का मूल्यांकन कठोर पाया गया। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आसानी से नहीं बनती परसेंटेज, जैसे अदर स्टेट के बोर्ड हैं वहाँ आसानी से बनती, तो
तो ये विद्यार्थियों के साथ भेदभाव था, इस वजह से इसको रद्द कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या बनने, अब नया नियम क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप देखिए। वर्तमान चयन प्रक्रिया के सभी आवेदकों को नवीन प्रस्तावित चयन प्रक्रिया में शामिल होने का विकल्प रहेगा, यानी कि इसमें नए आवेदन अब मांगे जाएंगे आपसे। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले इसमें आवेदन कर दिया था, पहले आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया था, तो उनसे दोबारा शुल्क भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि आवेदन उनसे लिया जाए लेकिन उनको किसी भी प्रकार की फीस का दोबारा भुगतान नहीं करना होगा। और लेकिन जिन विद्यार्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया था, जो वंचित थे, वो अब इसमें दोबारा आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वांछित आवेदन करने पर उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिलेगी और उनसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। भावी चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को समुचित ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रशिक्षा शुल्क की राशि लौटाई जाएगी। और कुछ जो पहले तो आवेदन किया था जिन विद्यार्थियों ने, और अब वो आगे इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक नहीं, मान लेते हैं किसी विद्यार्थी ने 2018 में आवेदन तो पहले कर दिया, हम मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया, वो टीचर बन जाता है, तो वो फोर्थ ग्रेड की नौकरी क्यों करेगा, सही बात है, तो उनको शुल्क लौटाया जाएगा, ये बात कही गई है। और यहाँ पर आगे आप देखिए, समय समय पर सूचनाएं दी जाएगी। अब इसके ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, प्रक्रिया को निरस्त कर उसके स्थान पर नए सिरे से निर्विवाद एवं पारदर्शी प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु तो उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के न्यायालय के द्वारा खेद है। अब इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम है वो रिटर्न एग्ज़ाम रहने वाला है, मतलब आपका अब लिखित परीक्षा इसमें आयोजित होगी, उसके बारे में भी आपको प्रूफ के साथ जानकारी देते हैं। यहाँ आप देखिए, ये पूरा प्रेस नोट भी जारी हुआ है आज, इसमें जानकारी दी गई है। अब यहाँ इसमें आप देखेंगे, यहाँ इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अब ये इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, राज्यों के अधीन न्यायालयों में भी चतुर श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति 8वीं पास 10वीं पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाती है, मतलब इन राज्यों में की जाती है, और यही प्रोसेस अब राजस्थान में भी लगने वाला है। इसी वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। पद जो रहने वाले हैं वो हैं 2309 पद। क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं पास। 10वीं पास जो भी विद्यार्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जिन विद्यार्थियों ने 10वीं पास कर लिया है। और उसके बाद अब मेरिट के बेस पर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका और साक्षात्कार भी होगा। फिर बाकी के जो भी हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं वो भी मिलेंगे, उसके अनुसार हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। तो पद क्वालिफिकेशन को लेकर अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने पहले फीस दे दी है उनको दोबारा फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया है अब आवेदन करना चाहते हैं, तो सभी नए विद्यार्थी जिन्होंने अभी हाल ही में 10वीं पास की है वो भी आवेदन कर पाएंगे, तो वो सब इसमें आवेदन कर पाएंगे। रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में फ़िलहाल अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आगे जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस भर्ती के बारे में आगे के अपडेट्स आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही कोई हमें नया अपडेट मिलेगा इस भर्ती को लेकर, आपको सूचना जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। बेल आइकन भी आप दबा लें। और इन सवालों के अलावा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, मान लीजिए जिन विद्यार्थियों ने अभी जैसे मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम अब होने वाला है, क्या वो विद्यार्थी भी आवेदन कर पाएंगे? तो बिल्कुल वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, और जब तक विज्ञप्ति जारी होगी आवेदन मांगे जाएंगे, सारी प्रोसेस होगा, तब तक वो विद्यार्थियों का भी रिजल्ट उनके हाथ में होगा। तो हाई कोर्ट ने फिलहाल यही जानकारी दी है कि जो पहले वैकेंसी निकाली थी उसको हमने निरस्त कर दिया है, और दोबारा से हम इसमें अब आपसे आवेदन मांगने वाले हैं। और प्रोसीजर उन्होंने बता दिया है कि अब पहले के जैसे का सिस्टम इसमें नहीं रहेगा। और आपका इसके बारे में, इस भर्ती को लेकर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बेझिझक कमेंट करिए, लेकिन जो बातें हमने डिस्कस कर ली है इस वीडियो में उन्हीं को आप दोबारा से रिपीट ना करें, क्योंकि आप वही सवाल बार बार पूछेंगे तो एक एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, आप समझते हैं। आपका कोई अलग क्वेश्चन है इनके अलावा तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपके लिए एक ये अच्छा सुनहरा अवसर है,
और क्योंकि ये 2019 में आने वाली जो भर्तियां हैं, कई भर्तियां हैं उनमें आप उस लिस्ट में आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। 2300 पद होंगे, क्वालिफिकेशन भी काफ़ी कम है, 10वीं पास जो सभी के पास मिलती है। तो आप निश्चित रूप से इसमें मेहनत करिए, वैकेंसी ये आने वाली है और आगे का अपडेट जैसे ही हमें मिलेगा चैनल के माध्यम से आपको तुरंत दिया जाएगा। और आज के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, वहीं से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और तीनों प्रूफ के साथ आपको जानकारी दी है। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रेस नोट जारी हुआ है, डेट आपके सामने है। उम्मीद है आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।